बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपने टिकटॉक को चलाना है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में कुछ दिन पहले बैन हो गई थी। तो आज हम आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपने टिकटॉक को अनबैन करना है और अपने मोबाइल में चलाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, आपको एक VPN एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका नेम है सुपर VPN। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है सुपर VPN। तो जैसे ही आप यहाँ पर सुपर VPN लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपर VPN। तो यहाँ पर सुपर VPN लिखने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह के एक VPN आ जाएगा, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन आपने इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। और तो सबसे पहले इसको पहले मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि मेरी जो टिकटॉक है वो चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ से मैं टिकटॉक को ओपन करता हूँ। टिकटॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मेरी टिकटॉक है वो नहीं चल रही यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मेरी जो टिकटॉक है वो नहीं चल रही। तो सबसे पहले आपने वही सुपर VPN डाउनलोड, ये देखें अनस्टेब, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेटवर्क कनेक्शन था वो, मतलब वो कहते थे कि सही नहीं है, लेकिन ये इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो चुकी है। तो आपने करना क्या है, प्ले स्टोर से वो आपने डाउनलोड कर लेना है सुपर VPN। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर ऐड आए तो आपने ऐड को कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऐड को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई अच्छी सी यहाँ ऊपर निशान यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक अच्छी सी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जर्मनी, UK या कोई भी। तो यहाँ पर मैं ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करना हो कर लेना है। उसके बाद आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐड आएगा, आपने इस ऐड को अब कट कर देना है। तो यहाँ से मैंने ऐड को कट कर दिया और यहाँ पर जब डिसकनेक्टेड लिखा हुआ आ जाए डिसकनेक्ट, तो फिर आप समझ लें कि ये आपका VPN कनेक्ट हो चुका है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टेड। तो यहाँ से आपने अब जाकर अपने टिकटॉक को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपने टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रूफ है, ये देखें कि टिकटॉक जो है वो मेरे मोबाइल में चल चुका है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टिकटॉक मेरे मोबाइल में चल रहा है। यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये देखें टिकटॉक मेरे मोबाइल में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकटॉक किस तरह से मेरे मोबाइल में चल रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड है, बहुत ही अच्छी तरह जैसे पहले चलता था वैसे ही टिकटॉक मेरे मोबाइल में चल रहा है। तो आपने भी यही करना है और इसी ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है पहले, फिर इससे टिकटॉक को ओपन करना है, फिर आपकी टिकटॉक चलने लग जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल।